ऐसा नहीं है कि फूल महके तो भंवरे नहीं आते। उसकी गली के गुड्डू से पूरे 36 का आंकड़ा है मेरा। वो मुझे कॉम्पिटिटर समझता है और रागिनी पर अनुराग भरी नजर रखता है, इतना मुझे पता है। और इस एक बात पर मैं उसे तबियत से धो भी चुका हूं, पर बदले में रागिनी ने मुझे ही लताड़ा। अरे क्यों मारा उसे, कहीं यहां वहां लग जाती तो। और ये जो हमारा होठ सूजा हुआ है उस पर तो तुमसे चुन्नी का सेक नहीं किया गया, पर हम होठ भींच कर रहे हैं। मेरा दोस्त शैली, जो खुद कभी प्रेम में गिरफ्तार नहीं हुआ, वो कभी कभी मेरे असमंजस पर खींच जाता है। अरे माधव, उसका स्वभाव अलग है, उसे इतनी सी देर में कैसे समझ में आ गया जो मुझे अब तक नहीं समझ में आया। चलो अलग है, पर प्रेम तो मुझसे ही है ना, तो प्रेम की फितरत का कोई तो संतुलन बिंदु होता होगा जो दोनों तरफ के व्यक्तित्व का कुल जमा भी हो और केंद्र बिंदु भी हो, तो मुझे संतोष क्यों नहीं होता? क्यों मेरा दिल उसका इंतजार करता है कि उसका हाथ मेरे गाल पर आएगा, उसका आंचल मेरी चोट सहलाएगा और उसके हाथ कभी मेरे लिए कुछ पकाएंगे, उसके होठ मेरे लिए कुछ गुनगुनाएंगे।